कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब 2 महीने का वक्त बाकी है। बीजेपी जहां इस बार कमल खिलाने को बेताब है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने 4 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला, बल्कि प्रदेश की सियासत को साधने के लिए 4 राजनीतिक प्रयोग भी कर डाले। नंबर 1, तटीय इलाकों की राजनीति। राहुल गांधी ने अपने मिशन कर्नाटक की शुरुआत हैदराबाद कर्नाटक इलाके से की। इस इलाके की कुल 40 में से 23 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने इन इलाकों की सीटों पर 2019 के लिए टारगेट सेट किया हुआ है। ऐसे में राहुल की इस रणनीति को कर्नाटक में अपने मजबूत गढ़ को बचाने के साथ ही बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नंबर 2, मंदिर दरगाह का दौरा। राहुल गांधी गुजरात की तरह कर्नाटक में सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष वाला कार्ड खेल रहे हैं। मंदिर और मस्जिद दौरे के बहाने वो हिंदू और मुसलमानों को साधने में जुटे हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12% है, ऐसे में मुस्लिमों को दरकिनार करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि मंदिरों में पूजा के अलावा राहुल दरगाहों पर भी जियारत कर रहे हैं। नंबर 3, लिंगायत समुदाय पर नजर। लिंगायत को किनारे रखकर कांग्रेस प्रदेश में अपनी सत्ता नहीं बचा सकती है, ये बात राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि लिंगायत इलाकों का दौरा कर इस समुदाय को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 18% आबादी वाले इस समुदाय को न सिर्फ सियासी किंग मेकर माना जाता है, बल्कि इसे बीजेपी का मजबूत वोट बैंक भी कहा जाता है। यही वजह है कि राहुल लिंगायत समुदाय से जुड़े धार्मिक मठों में भी गए। और नंबर 4, आदिवासियों, किसानों, व्यापारियों पर फोकस। अपने कर्नाटक यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसानों और आदिवासियों के बीच भी गए। व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के बीच जाकर उन्होंने न सिर्फ नोटबंदी का मुद्दा उठाया, बल्कि GST को एक बार फिर से गब्बर सिंह टैक्स करार देकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि राहुल के ये 4 प्रयोग प्रदेश में पार्टी की सत्ता बचा पाती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।